नमस्कार और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। और आज के इस वीडियो में मैंने आज 3 मई बुधवार की सबके ओपन इंटरेस्ट के बेसिस पर डेरिवेटिव डेटा का कॉम्बिनेशन किया है। आज रात को फेड मीट है, उसका एक आउटकम आएगा, रेट हाइक होने वाला है या फ्लैट रहने वाला है। ये मार्केट ने डिस्काउंट किया है कि इस बार शायद हाइक नहीं आए बिकॉज अमेरिकन बैंक्स की जो बेल आउट हो रही है। बट स्टेटमेंट क्या होगा, हॉकिश की डविश उस वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि फेड चेयरमैन आके क्या स्टेटमेंट देता है, आगे का क्या उनका इंटेंशन है, उस सब है, वो सब पे ज्यादा डिपेंड करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज क्या डेटा क्या निकल के आया है और कल की जो एक्सपायरी है उस पर क्या इम्पैक्ट हो सकती है। तो FIIs ने आज कुछ लॉन्ग अनवाइंडिंग की है और शॉर्ट्स फ्रेश शॉर्ट्स भी ऐड हुए, तो थोड़ा सा आज उनका बेरिश टोन हुआ है, नेट शॉर्ट में चले गए आज वो थोड़ा, और बहुत ज्यादा नहीं है, नॉमिनल है। और यहाँ आज से मैंने नया कॉलम चालू किया है, लॉन्ग शॉर्ट रेशियो कॉल टू पुट रेशियो। तो FII का 1.18 पे आके खड़ा है कि उनके मतलब कि उनके ज्यादा शॉर्ट्स है लॉन्ग से। ये आप डेली इसको ट्रैक कर पाएंगे आज से कि क्या रेशियो चल रहा है प्रीवियस डे के हिसाब से। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने फिर से थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग किया है इस लेवल पर आके। प्रॉप डेस्क ने फ्रेश लॉन्ग्स, यहाँ फ्रेश लॉन्ग्स बने बहुत, और थोड़ा सा वेरी नॉमिनल शॉर्ट कवरिंग हुआ है उनकी तरफ से। क्लाइंट्स फ्रेश लॉन्ग भी है शॉर्ट कवरिंग में, तो क्लाइंट्स का एक बुलिश टोन आया है, क्लाइंट्स बुलिश, FII माइल्डली बेरिश बोल सकते हैं क्या आप। तो ऑपोजिट एंड्स पर है FIIs और क्लाइंट्स इस समय ऑफ द स्पेक्ट्रम में। रेशियो भी हम यहाँ चेक कर सकते हैं। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का रेशियो नहीं चेक करना चाहिए क्योंकि ये प्योर हेज स्ट्रेटेजी होता है उनका अगेंस्ट कैश लॉन्ग्स। बाकी का हम चेक कर सकते हैं ऑन अ डेली बेसिस। अब आते हैं इंडेक्स कॉल और पुट पर। तो कल हमने देखा था FIIs ने बहुत बड़ी क्वांटिटी में शॉर्ट की थी, अराउंड 50,000 कॉल्स वर शॉर्टेड और 18,000 कॉल लॉन्ग किया था उन्होंने कुछ। आज उन्होंने 48,000 कॉल्स लॉन्ग किया। सो आज की जो वीक ओपनिंग हुई और उसके बाद जो बाउंस आया उस पर FIIs ने लॉन्ग किया, बट माइंड यू उन्होंने शॉर्ट कवरिंग नहीं किया है, नॉमिनल क्वांटिटी शॉर्ट कवरिंग है कॉल्स का इधर उनके तरफ से। बट पुट साइड आप देखिए, पुट्स में आज की जो ड्रिप आई और उसके बाद रिकवरी और फिर फ्लैटिश डे, उसमें हम देख सकते हैं कि काफी बड़ा पुट पोजीशन बना है, काफी लंबा क्वांटिटी में, ऑलमोस्ट डबल लॉन्ग है कॉल का लॉन्ग शॉर्ट के हिसाब से। तो उसको लेके उनका कॉल पुट रेशियो काफी चेंज हो गया है एक दिन। कल का रेशियो देखिए और आज का रेशियो देखिए, काफी चेंज है इधर उनकी तरफ से। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस आज भी एब्सेंट थे ऑप्शन मार्केट से। प्रॉप डेस्क जो उनका जो ट्यूसडे क्लोज का सिनेरियो था ऑलमोस्ट सेम है, बहुत नॉमिनल चेंज है आज के, बहुत नॉमिनल चेंज उनका सेम टू सेम आया है कि वो देख रहे हैं कि ये एक्सपायरी कल की जो होने वाली है एकदम रेंज बाउंड रहेगी, इस पर कोई ज्यादा इंपैक्ट नहीं दिख रहा है उनको फेड का। लेके अगर वीक खुलेगा तो रिकवर हो जाएगा, स्ट्रांग खुलेगा तो रिट्रेसमेंट हो जाएगा, एक रेंज में रहेगा निफ्टी, ऐसा उनका मोस्ट लाइकली सिनेरियो लग रहा है इधर उनके तरफ से। क्लाइंट्स जो एक्स्ट्रा बुलिश थे फ्राइडे क्लोजिंग में, मंडे ट्यूसडे क्लोजिंग में थोड़ा सा वो माय रेंज बाउंड हो गए वहां जाके, आज भी उन्होंने वही स्टैंड लिया है रेंज बाउंड का। सो बहुत दिन बाद हम देख रहे हैं कि दोनों प्रॉप और क्लाइंट्स एक ही साइड में, एक ही साइड दोनों का ऑलमोस्ट सेम टू सेम है, बहुत नॉमिनल यहाँ में डिफरेंस है कंपेयर टू ये वाला, बट ऑलमोस्ट सेम टू सेम चल रहे प्रोज क्लाइंट्स। ये यूनिक अजूबा लग रहा है ये आज ये देख के, बहुत रेयरली ये होता है। तो ये जो ऑप्शन डेटा हमारे सामने निकल के आई है जिस पर हम एक चीज बोल सकते हैं कि इतनी लो विक्स एनवायरमेंट में FII प्रीवियस
प्रिफर कर रहे हैं नेट लॉन्ग होने का, क्लाइंट्स और प्रॉप डेस्क प्रिफर कर रहे हैं शॉर्ट करने का। तो एक तरफ कॉन्डोर लॉन्ग, बटरफ्लाई लॉन्ग हो रहा है, स्ट्रैडल लॉन्ग हो रहा है, और दूसरे तरफ स्ट्रैडल शॉर्ट, स्ट्रैंगल शॉर्ट, आयरन बटरफ्लाई, आयरन कॉन्डोर चल रहा है मार्केट में इस समय। तो इस लो एनवायरनमेंट में क्या इस टाइप के ट्रेड सूटेबल होंगे, कि हमें कल क्लियर हो जाएगा कि कितना किसको इम्पैक्ट करेगा कल का मूव। क्योंकि एफआईआई के हिसाब से जिस तरीके से वो अपना पोजीशन बना रहे हैं, उनको लग रहा है कि मार्केट वॉलेटाइल रहेगा दोनों साइड। इट कैन शूट अप फास्ट एंड डिक्लाइन डाउन, और इट कैन गो डाउन फास्ट एंड गो अप। सो सेम चीज प्रॉप और क्लाइंट को भी लग रहा है, बट प्रॉप और क्लाइंट को उतना बड़ा वाइड रेंज नहीं लग रहा है, उनको लग रहा है कि मैनेजेबल रेंज है, हम एडजस्ट करके मैनेज कर लेंगे। जबकि एफआईआई का आइडिया है कि वो जिस डायरेक्शन चलेगा उस डायरेक्शन को बुक आउट कर लेंगे प्रॉफिट में, क्योंकि उनको लग रहा है कि थोड़ा आईवी का गेम हो सकता है कल, इंप्लाइड वॉलिटी का। बट जो जो प्रॉप डेस्क का व्यू हो रहा है इधर, प्रॉप डेस्क का उनका और क्लाइंट्स का व्यू है, जो एक नॉर्मल स्टैंडर्ड होता है इन एन ऑप्शंस सिनेरियो, की जो एक्सपायरी डे होती है उस दिन आईवी क्रैश होती है, बिकॉज लास्ट डे है एक्सपायरी का, थीटा डीके है, आगे इसका उस ऑप्शन का खत्म हो रहा है वर्चुअल, नेक्स्ट सीरीज चालू होने वाली है। तो प्रॉप और क्लाइंट्स को लग रहा है कुछ भी हो आईवी क्रैश होगा, इंपैक्ट ज्यादा नहीं होगा। एफआईआई का दूसरा धारणा है, दूसरी धारणा इस समय शायद एफआईआई का कैलेंडर स्प्रेड पर ज्यादा इम्पैक्ट होगा, लॉन्ग्स ऑफ मंथली या आउटर वीक्स के, और ये वीक के शॉर्ट भी हो सकते हैं, उनका एक अलग स्ट्रेटेजी होता है। मोस्टली एफआईआई डेस्क वीकली ऑप्शंस, शॉर्टिंग स्ट्रेटेजीज, नेकेड, वो सब में ज्यादा नहीं पड़ते। स्टॉक फ्यूचर्स एफआईआई ने कुछ शॉर्ट्स ऐड किए, कॉल्स भी उन्होंने, सॉरी लॉन्ग्स अनवाइंडिंग किए, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है उनके रेशियो को। लॉन्ग्स आर मोर देन शॉर्ट्स, व्हिच इज बुलिश ओनली, नॉट टू मच ऑफ अ डिफरेंस हैपनिंग आउट हियर। आप यहां से आप चेक कर सकते हो कि कौन से थिंग देयर टॉप 5 स्टॉक्स जिनमें लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप और शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग वाइज। जब मैं टॉप 5 बोल रहा हूँ, टॉप 5 इन टर्म्स ऑफ ओपन इंटरेस्ट चेंज, नॉट इन टर्म्स ऑफ प्राइस और एनीथिंग एल्स। ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा चेंज उस हिसाब से आया है इन सब स्टॉक्स में आज। फिर यहाँ पर हम देखते हैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने थोड़ा बहुत खरीदा है, बहुत नॉमिनल क्वांटिटी का शॉर्ट भी है उनका। प्रॉप डेस्क मोर लॉन्ग्स देन शॉर्ट्स आज, और सिमिलरली क्लाइंट्स मच मोर लॉन्ग्स देन शॉर्ट्स, काफी ज्यादा 1:4 है उनका, और यहाँ पे 1:2 है प्रॉप्स का। तो ये दो अगेन आज चमत्कार हो रहा है, ये लोग दोनों लॉन्ग है मार्केट में, इतना ज्यादा आज आज उनका टोन बुलिश था मार्केट में। स्टॉक कॉल्स और पुट्स में हम यहाँ देख सकते हैं कि एफआईआई का जो यूजुअल स्टैंड होता है ऑफ हेजिंग ऑफ कॉल्स एंड लॉन्ग ऑफ पुट्स, वो हो रहा है। इसमें एक इंटरेस्टिंग बात ये भी हो सकती है कि ये जो हम देख रहे हैं ये एक स्प्रेड ट्रेड भी हो सकता है कुछ कंसिडरेशन तक, अभी एज अ प्रोटेक्शन टू द लॉन्ग्स एंड ऑल दैट। यहाँ पुट में ज्यादा पुट लॉन्ग है, कम पुट शॉर्ट है उनका, सो डेफिनेटली दिस इज मोर प्रोटेक्शन। डोमेस्टिक इंश्योरेंस स्मार्टली जैसे जैसे एक्सपायरी आगे बढ़ रहा है, कॉल्स जिस जिस स्टॉक्स में भाग रहे हैं उनको वो आगे जाके शॉर्ट कर रहे हैं जहां उनको प्रीमियम ज्यादा लग रहा है। प्रॉप डेस्क एकदम रेप्लिका ऑफ व्हाट एफआईआईज हैव डन, आप यहाँ देख सकते हो एग्जैक्टली वो ये, इनफैक्ट ऐसे लग रहा है जैसे मल्टीप्लाइड बाय 10 पूरा का पूरा उनका आज का स्ट्रेटेजी प्रॉप डेस्क का। क्लाइंट्स ने एग्रेसिव लॉन्ग किया है जो टिपिकल होते हैं, बट वो उस पर टिपिकल इसीलिए नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि बहुत क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो फ्यूचर ट्रेड नहीं करते हैं, वो ऑप्शन ट्रेड करते हैं, तो इसीलिए हमको क्लाइंट साइड में ऑप्शन लॉन्ग ज्यादा दिखता है, क्योंकि वो जबकि क्लाइंट्स का सबसे बड़ा एक्सपोजर है फ्यूचर मार्केट में, तभी भी जो मार्केट में ओवरऑल डेरिवेटिव पार्टिसिपेंट्स है क्लाइंट्स का, उसमें से अधिकतर लोग
कॉल पसंद करते हैं, ट्रेडिंग करना पुट पसंद करते हैं, फ्यूचर उनको रिस्की लगता है, स्पेशली स्टॉक फ्यूचर्स, इसीलिए हमको ये हमेशा ज्यादा दिखता है एक एंड में, क्योंकि क्लाइंट्स अल्टीमेटली ज्यादा बुलिश साइड में ही रहते हैं। और पुट्स कॉल कुछ शॉर्ट्स भी हुए हैं इस केस में, जो लोगों ने शॉर्ट लॉन्ग कॉल लॉन्ग फ्यूचर किया होगा उनमें से काफी लोग होंगे जो इसमें होंगे हेज के लिए। और स्टॉक पुट्स में हम देख सकते हैं कि एज यूजल ये एक मैटर है जो जो जहां पर वो ज्यादा शॉर्ट रहते हैं। अगेन इस बार का जो डेटा आ रहा है हम उसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि 1:1 काफी पुट स्प्रेड वाले होंगे इसमें, जो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, या किसी का लॉन्ग कॉल है या लॉन्ग फ्यूचर है, पुट लॉन्ग करके बैठे हैं। बट ओवरऑल क्लाइंट्स का टेंडेंसी होता है पुट शॉर्ट करने का, कभी कभी केसेस में नेकेड पुट, जो एक बहुत रिस्की अफेयर होता है। आप नॉर्मली देखोगे कि जो FII होते हैं और जो प्रॉप डेस्क होते हैं उनका पुट लॉन्ग होता है एज अ हेज अगेंस्ट देयर लॉन्ग इन कैश और लॉन्ग इन फ्यूचर, बट क्लाइंट्स का वैसा नहीं होता है। क्लाइंट्स का आइदर पुट स्प्रेड होता है या नेकेड पुट शॉर्ट होता है, कि वो मार्केट में इतना बुलिश है वो लॉन्ग कॉल नहीं करना चाहते हैं, या लॉन्ग कॉल के संग पुट शॉर्ट कर रहे हैं टू रिकवर द कॉस्ट ऑफ द लॉन्ग, या ओवरऑल एकदम एग्रेसिव टोन लेके बैठते हैं मार्केट में। और ये बात पे आप डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का भी देखेंगे कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस कभी भी पुट शॉर्ट नहीं करते, कभी भी वो हमेशा पुट लॉन्ग रहेंगे या कॉल शॉर्ट रहेंगे, विच इज अ वेरी टिपिकल हेज स्टाइल ऑफ वर्किंग, जिसको हम इंश्योरेंस बोलते हैं। व्हाई विल आई शॉर्ट अ पुट व्हेन आई एम लॉन्ग इन अ स्टॉक? दैट मींस अगर वो स्टॉक गिर गया, मेरे मुझे M2M लॉस हो रहा है, या मेरा पोर्टफोलियो गिर रहा है और मैंने पुट शॉर्ट किया है, तो मेरे पुट में भी लॉस हो रहा है, डबल लॉस कर रहा हूँ। वो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस करते नहीं है, और टू एन एक्सटेंट ना FII करते हैं ना प्रो डेस्क करते हैं, क्लाइंट्स करते हैं, जिसके कारण उनको बहुत बार रॉन्ग ट्रेंड साइड में होने के कारण लॉसेस हो जाते हैं ट्रेड सब। सो आप इधर देख सकते हो कि जो स्टॉक्स लॉन्ग शॉर्ट हुए ये रेशियोज क्या आया, और हम देख सकते हैं आज FIIs ने काफी क्वांटिटी में सब कॉल्स में बाइंग था। आज उनका एक इंट्रोडक्शन भी हो गया, श्री गणेश हो गया मिड कैप निफ्टी ऑप्शन में। इनफैक्ट मिड कैप निफ्टी फ्यूचर्स में भी आज ओपन इंटरेस्ट चेंज है, विच इज डन बाय प्रो डेस्क और द क्लाइंट्स। आज FII का उधर कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, बट इट इज देयर इन द ओवरऑल फ्यूचर इंटरेस्ट चेंज, बट मस्ट बी बाय सम क्लाइंट्स और मे बी सम प्रोस जिनका ट्रेड हुआ है उस एंगल में उधर। कल की एक्सपायरी के लिए जो सपोर्ट है निफ्टी में वो है 17,950 पर, और अगर वो नहीं कंट्रोल होगा तो 17,825 उसके नीचे। रेजिस्टेंस कल के लिए एक्सपायरी के लिए 18,225 और उसके ऊपर 18,350। बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट है 43,000 पर, और अगर वो कोई चांस से सब होल्ड नहीं करता है तो उसके नीचे 42,650 है, और रेजिस्टेंस जो है वो 43,600 पर है, उसके ऊपर 43,950। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो आपके काम आया, आपको इससे हेल्प हुई है, तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। गुड नाइट।